जिला महिला चिकित्सालय में एक महिला डॉक्टर ने डिलीवरी के नाम पर मरीज के परिजन से 7,000 रुपए घूस लिए, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक एन.के. श्रीवास्तव ने बताया कि जिला महिला चिकित्सालय में महिला डॉक्टर के द्वारा डिलीवरी के नाम पर पैसा लेने का वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर ने डिलीवरी के नाम पर 7,000 रुपए लिए हैं। डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। सीएमएस ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मेरे द्वारा हमेशा अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है, जिससे इस तरह की घटना सामने न आए। प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है, क्योंकि अस्पताल में डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त है, पैसा लेना गलत है। स्पष्टीकरण आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि ओटीएल स्टाफ की भी इसमें मिलीभगत है, जो कि डॉक्टर के नाम पर पैसा लिया है, जिसका वायरल वीडियो में रंगे हाथ पैसा लेते हुए कैमरे में भी कैद हुआ है, जिस पर सीएमएस कार्रवाई के लिए मौन है। अब देखना है कि जिला अस्पताल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक एन.के. श्रीवास्तव ने कहा, मैम कुछ तो कम, मैम प्लीज, मैम मैम कुछ तो, मतलब स्टाफ के तरफ कुछ तो हो जाए, मैम मैं आपके पैसे ले आ रहे हैं कि स्टाफ के तरफ तो कुछ हेल्प हो जाए, स्टाफ के तौर पर भी हेल्प हो रहा है मैम, नहीं सा बात नहीं मैम, मतलब कुछ मैम, नहीं सा बात नहीं मैम, मतलब कुछ नहीं सा बात नहीं मैम, मतलब कुछ कुछ दे रहा है मैम, दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहा दे जा, 2,000 रुपये दे, 2,000 रुपये भाई, जाने देने को ज़्यादा इन लोग को जा रहे हैं ना, कहाँ मैडम बुला रही, तो कब तक हो जाएगा भैया, तो कब तक हैं हाँ, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी, मैंने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है और वीडियो सहित ये सारा प्रकरण मैंने शासन को भेज दिया और उसे कार्रवाई पहले में, अभी 2-4 दिन पहले भी उस प्रकरण को भी शासन को भेजा जा चुका है जांच के लिए। मेरा पूरा प्रयास है, मैं जब से आया हूँ इसी पर लगा हुआ हूँ कि कहीं पर भी किसी स्तर पर किसी भी आने वाले हमारे क्लाइंट को कोई तकलीफ ना हो। मैं स्वयं उठ करके कई बार राउंड लेता हूँ, देखता हूँ कि किसी से पैसे की डिमांड ना हो कहीं पर। जो शासन के द्वारा निःशुल्क सुविधाएँ हैं सब उनको निःशुल्क मिलती रहें, लेकिन कई बार मेरी जानकारी बगैर जानकारी के या मुझे जानकारी नहीं मिल पाई
और जैसे ही मुझे सूचना मिलती है मैं तत्काल इसके संज्ञान में लेता हूँ और मैं समझा करके इस प्रकरण को देखता हूँ। अभी जो आपने चर्चा की, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने उसको शासन को भेज दिया कि आवश्यक कार्रवाई है। जी हाँ, प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, इसीलिए मैंने आगे को भेज दिया। सर देखिए, 24 घंटे में हर एक के पीछे नहीं भाग सकता हूँ, फिर खड़ा रहूँ। जब तक मैं अस्पताल में रहता हूँ बीच बीच में मैं औचक निरीक्षण भी करता रहता हूँ, ये रात में भी मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे सामने तो ऐसा नहीं होता है। और कभी अगर ऐसा जैसा कि अभी हुआ तो उसके लिए मैंने कड़े कदम उठाए हैं और उसके लिए उन पर आवश्यक कार्रवाई, जो भी सजा मिली है शासन। नहीं, ऐसा नहीं है, अधिकारियों का खौफ है। तभी आपने देखा होगा मुझे 6 महीना हो गया आए हुए, 7 महीने, 7वां महीना चल रहा है। अभी इसी बीच में ये प्रकरण सामने आया है। इसके पूर्व बहुत ही सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से अस्पताल चल रहा था।